नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद के भोजपुर थाना क्षेत्र के घास मंडी मोहल्ले में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक विवाहिता को दहेज के लोभी ससुराल वालों ने कम दहेज मिलने के चलते गला घोटकर विवाहिता को मौत के घाट उतार दिया। सुबह होते ही मृतिका के पति जुबेर आलम ने अपने ससुराल पक्ष को सूचना दी कि आपकी बेटी की मृत्यु प्रयास करते समय बिजली के करंट लगने से हो गई है। आनन फानन में परिजन घटना की सूचना पाकर मृतिका लड़की के ससुराल पहुंचे और मौका मायना कर पुलिस को सूचना दी। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गला घोटकर हत्या करने का आरोप लगाकर पुलिस को सूचना दी तो वही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की वैधानिक कार्यवाही में जुट गई। क्या ये घटना कैसे घटी है? ये साहब दो फेरी पैसे मांगते थे मुझसे, पैसे के बाद में मिस्टर बोले पापा मुझे पैसे दे दो तो मैं गाड़ी लाऊं बड़ी गाड़ी। इधर 5.5 लाख रुपये मैं दे चुका हूँ, 5.5 लाख 9,95,000 रुपये गाड़ी है तो मेरे पास पैसा पेमेंट नहीं है, मैं दूंगा। इसके बाद मैंने लड़की खत्म कर दी। बात ठीक है, कैसे खत्म करी? फांसी देखा मारी। आपको कैसे पता चला? खरोट आ रही है, चले बताया ये बताए लाइट से पकड़ा है। हाँ? लेकिन फांसी देकर तो फांसी देकर मार दी है, फांसी देकर मार दी है। क्लियर है इसमें तो, ये तो कोई बात थोड़ी है। सभी लोग थोड़ा जाओ टेस्टिंग कर लो। मोहम्मद इरफान जी, क्या समस्या, कैसे हुई घटना? सर ये कैमरा लड़का है, इसको आज काम करता था, गाड़ी के लिए डिमांड करता था, बड़ी गाड़ी के लिए। हमने गाड़ी के लिए इनको पैसे दिए थे 5.5 लाख रुपये, ये उस पर भी संतुष्ट नहीं थे। ये जो है बड़ी गाड़ी की डिमांड करते रहते थे, आज जब गाड़ी को कम करते थे और इसी को लेकर जो है इन्होंने जो है ना इसको जो है ज्यादा गंजा पहुँचा था, जान से मार दिया उसको। मतलब किस चीज़ से मारा? फांसी लगा कर सर इसको। हमसे बोला गया कि लाइट ने पकड़ लिया इसको, हमने देखा इसको, हमने इसकी जाँच पड़ताल की तो कहीं पर भी जो है कोई लाइट का फाट का कोई निशान नहीं है, गले पर निशान है इसके। उन्होंने जो है फांसी लगा कर उसको मारा है। शादी को करीब 6-7 महीने हो गए सर, ये करीब 23 फरवरी को शादी हुई थी।